हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PGMN में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो इसमें इनिशियल वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया है, फीमेल का भी हो गया है। अभी हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाली फेज की तरफ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज़ सीन इन द फीमेल्स ओनली। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो इन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फॉर एवरी 28 डेज। हर 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? एक ग्रेफियन फॉलिकल, जिसका हमने स्ट्रक्चर लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। ग्रेफियन फॉलिकल जो कि मैच्योर है, ये सेंड होता है फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस। वो यूटेरस में वेट करता है फॉर द स्पर्म। अगर स्पर्म आ जाता है, स्पर्म क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, जो या फिर जो मेल का सेक्सुअल सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाला एक गैमेट है जो हैप्लॉइड होता है। सो अगर वहाँ पे मेल का गैमेट आता है और वो एग से फ्यूजन कर देता है या फिर फर्टिलाइजेशन करता है, देन वहाँ पे प्रेगनेंसी होती है। बट व्हाट इन केस अगर वहाँ पे स्पर्म नहीं आता है? अभी ये जो ग्रेफियन फॉलिकल वहाँ पे वेट कर रहा था यूटेरस में फॉर स्पर्म, ये क्या हो जाएगा? अभी इस कंडीशन में अगर उसके साथ फ्यूजन नहीं होता है किसी स्पर्म का, देन ये ग्रेफियन फॉलिकल वहीं पे ब्रेक हो जाता है, एग को रिलीज कर देता है। एंड अभी यहाँ से ये जो एग रिलीज हुआ है, ये सिर्फ अकेला यूटेरस से बाहर नहीं आता, ये अपने साथ साथ यूटेरस में जो ब्लड सेल्स होते हैं या फिर जो ब्लड होता है, जो म्यूकस होता है, इन सभी को अपने साथ लेके बॉडी के बाहर चला जाता है। और यही वाला जो ब्लीडिंग का फेज है या फिर ये जो फेज है जिसमें यूटेरस से आने वाला ये फ्लो होता है ब्लड का, इसे ही कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर 28 डेज में रिपीट होती है। अगर स्पर्म आ जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने वाली। ओके, सो चलिए ये सभी को डिटेल में देखते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को ओवेरियन साइकिल भी कहा जाता है। यस, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनदर नेम है ओवेरियन साइकिल। नाउ दिस साइकिल इज डिवाइडेड इंटू 4 फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस में डिवीजन किए गए हैं, और ये कौन कौन से? सो द नंबर 1 इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? यही होता है ब्लीडिंग वाला फेज, यानी जहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल अपने साथ कुछ डेब्रीज ऑफ यूटेरस को लेकर बॉडी के बाहर फ्लो होता है। सो दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। देन द सेकेंड वन, या फिर जो सेकेंड वाला फेज होता है, इसे कहा जाता है प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो फेज होता है, ये कम्प्लीटली एक रिपेयर करने वाला फेज होता है, जो कि फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ है, यूटेरस की काफ़ी ड्रास्टिक ब्लीडिंग हुई है, यूटेरस इसमें वीक हो जाता है। सो अभी यहाँ पे नीड होती है कि इस यूटेरस का वापस से मेंटेनेंस किया जाए या फिर इसे वापस पहले वाले कंडीशन में रख दिया जाए। सो फॉर दैट इन द प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो यूटेरस डिग्रेड या फिर डिजेनरेट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, ये वीक हो गया था, इसे वापस से नॉर्मल वाले कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर का काम होता है। ये काम होता है सेकेंड वाले प्रोलिफरेटिव फेज में, इसी को कहा जाता है फॉलिकुलर फेज ऑल्सो। ठीक है, देन इसके बाद आता है अगेन ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज सिंपल है, ओवम ओवा इस होता है सिंपल हमारे भाषा में अंडा या फिर एग। फीमेल में जो सेल होता है जो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने वाला है, ये है एग सेल। ओके, सो एग सेल, इसी को ओवा या फिर ओवम भी कहा जाता है। वर्ड्स के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, सो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? चलो अभी फर्स्ट खत्म हो गया, सेकेंड जो स्टेज थी इसमें जो कुछ भी मेंटेनेंस की ज़रूरत थी उसे पूरा कर दिया गया, अभी यूटेरस वापस से नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी है। सो नेक्स्ट साइकिल के लिए वापस से एक ओवम चाहिए। फिर ओव्यूलेटरी फेज में अगेन नेक्स्ट साइकिल के लिए जो ओवम चाहिए या फिर जो ग्रेफियन फॉलिकल चाहिए, इसे रिलीज कर दिया जाता है। देन अगेन सेकेंड वाला जो या फिर जो लास्ट वाला फेज है, ये सिक्रेटरी या फिर ल्यूशियल फेज होता है, यानी कि जो कुछ भी बचा हुआ था इसे भी बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। इन सभी फेजेस को हमें डिटेल में देखना है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, सो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? ये ब्लीडिंग वाला फेज होता है, इसमें ब्लड बॉडी के बाहर फ्लो होता है। अभी अमाउंट ऑफ ब्लड जो बॉडी के बाहर फ्लो होने वाला है, ये स्पेसिफाइड होता है। ओके, सो हर मेंसेस में,
हर मेंस डिजाइन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हर 28 डेज के बाद रिपीट होने वाला है, इसमें ऑलमोस्ट 45 से लेकर 100 ml तक का ब्लड लॉस हो जाता है फ्रॉम द बॉडी एंड देन। और अगर डे या फिर ड्यूरेशन की बात करें सो ऑन एन एवरेज 3 to 7 डेज ये फेस चलता रहता है, यानी 3 से 7 दिन के बीच में या फिर इतने कंप्लीट 7 डेज तक कोई फीमेल ब्लीडिंग वाले फेज में रहती है, यानी उसके बॉडी से कंटिन्यूसली ब्लड बाहर जाता है। ओके देन जो इस वाले कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम, हमने देखा था जो लेयर होते हैं यूटेरस के इन्हें मेट्रियम कहा जाता है, पेरो मायो एंड एंडो ये 3 मेट्रियम थे यानी यूटेरस के लेयर थे। एंडोमेट्रियम यानी जो एकदम इनर वाला पार्ट है, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है यूटेरस का, इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। सो जब भी मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है यानी कि ब्लीडिंग हो रही होती है उस टाइम पर यूटेरस इंटरनली डैमेज हो जाता है, यानी उसके अंदर का काफ़ी सारा मटेरियल ब्लड के साथ बाहर चला जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है? ओके सो जो एंडोमेट्रियम होता है ये ब्रेक होता है, इसका ब्रेकेज करने का रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण एंडोमेट्रियम का ब्रेकेज होता है और एंडोमेट्रियम वाला लेयर जो है ये बाहर निकलता है विद द ब्लीडिंग। अभी एंडोमेट्रियम क्यों आता है यहाँ पे? बिकॉज जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, एक्चुअली ये दोनों भी फीमेल हार्मोन्स होते हैं। ओके ये दोनों भी फीमेल हार्मोन है, बट इन द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल या फिर जो फर्स्ट वाला फेज होता है उस फेज में ये दोनों भी हार्मोन से डिक्रीज हो जाते हैं। ये हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं, दैट्स वाई प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसकी एक्शन शो करता है और इसकी एक्शन होती है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। सो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फर्स्ट फेज में कौन से हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं। सो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल हार्मोन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज में डिक्रीज हो जाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है। ओके देन अभी जब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है एंडोमेट्रियम वाली लेयर को, दैट्स वाई वहाँ से ब्लड, कुछ टिश्यू के फ्लूइड्स, अगेन म्यूकस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज अनफर्टिलाइज ऊसाइट। ऊसाइट यानी जो अंडा था, जो एग सेल था, इसी को ऊसाइट कहा जाता है। सो इन सभी का मिक्सचर बन के एक फ्लो बन जाता है और जो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है ऑन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके सो मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सो मेंस्ट्रुअल फ्लो में प्रेजेंट होता है फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड, जिसकी क्वांटिटी है 45 से 100 ml तक ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इतना बॉडी के बाहर जाता है। देन टिश्यू के फ्लूइड है, म्यूकस है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एंड द अनफर्टिलाइज ऊसाइड या फिर एग सेल जो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, ये सबका एक मिक्सचर बन के हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये फ्लो बॉडी के बाहर निकलता है। ये था अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज। अभी और क्या है इसके अंदर? सो देखो अभी हमने देखा कि एंडोमेट्रियम डिग्रेड होता है या फिर डिक्रीज होता है और डिग्रेड होने के बाद इसका जो मटेरियल है ये भी ब्लड के साथ बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो ये इतना एक्सक्रीट आउट होता है कि इस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज के एंड तक सिर्फ 1 mm के इतना ही एंडोमेट्रियम बच जाता है, यानी इतना अमाउंट ऑफ एंडोमेट्रियम यहाँ पे डीजेनरेट हो रहा है। सो लास्ट में बचा कितना? बस 1 mm के इतना एक थिन लेयर बचती है। एंड अभी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये ऑन एन एवरेज कम से कम 5 days तक चलते रहता है, बट 5 days तक जितना भी ब्लड लॉस हो रहा है, अभी एक कॉमन फिनोमिना है कि अगर कहीं से ब्लड निकल रहा है सो ड्यू टू एक्शन ऑफ फाइब्रिन क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है या फिर वहीं पर ठहर जाता है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं होती। बट इन दिस केस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू यानी कम से कम 5 दिन तो चलने ही वाली है, फिर यहाँ पे ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा? सो यहाँ पे ब्लड इसलिए क्लॉट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, फाइब्रिन को बनने नहीं देता, उसे ब्रेकडाउन कर देता है एंड दैट्स वाई ब्लड वहाँ पे क्लॉट नहीं होता। ब्लड ओरिजिनल फॉर्म में बॉडी के बाहर या फिर एक फ्लो वाले कंडीशन में बॉडी के बाहर निकल जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओके देन मेंस्ट्रुअल फेज सिर्फ उसी कंडीशन में होने वाली है जब अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता है। अगर एग सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसी कंडीशन में मेंस्ट्रुअल फेज दिखाई देगी, अदरवाइज ये नहीं होने वाला। एंड अभी यहाँ पे अनफर्टिलाइज जो एग होता है ये ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर बॉडी के बाहर निकल जाता है टूट फूट कर, दैट्स वाई इसे कहा जाता है फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी
ऐसा एग जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसका अंतिम संस्कार हो जा रहा है, यस ऑब्वियसली, क्योंकि जो एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता है ये ब्रेक हो जाता है और बॉडी के बाहर निकल जाता है, यानी इसका कोई यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये एज इट इज़ बॉडी के बाहर निकल जाता है। दैट्स वाई इन दिस केस मेंस्ट्रुअल फेज को फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग भी कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखना, मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है इन गिव रीजंस दैट व्हाई अनफर्टिलाइज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज को अनफर्टिलाइज एग का फ्यूनरल क्यों कहा जाता है। फ्यूनरल का मीनिंग होता है अंतिम संस्कार, जो मरने के बाद किया जाता है, ठीक है। सो इस बात को अच्छे से याद रखो। देन इस 5 days में क्या होता है, अभी देखो ये जो 5 days है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, इसमें ब्लीडिंग तो होने ही वाला है, बट साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ कुछ अदर प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डेवलप हो ही रहे। ऐसा नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है इसका मतलब कि बाकी के जितने भी एग सेल्स थे ये सब अभी शांत हो गए, नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर यूटेरस में गया था उसके साथ मेंस्ट्रुअल फेज होने वाला है, बट जो अदर थे ओवरी में जो अभी भी प्रेजेंट है ये कंटिन्यूसली इनके साइकिल में या फिर इनके इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं इसके थ्रू जा रहे हैं। ओके, सो इन दिस 5 days क्या होता है, जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं ये प्राइमरी में डेवलप होते हैं और कुछ जो ऑलरेडी प्राइमरी वाले स्टेज में थे ये सेकेंडरी में चले जाते हैं, और ये सब हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH यानी फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। हार्मोन्स की शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, FSH का मीनिंग होता है फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सो फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का क्या मीनिंग है, FSH ये वो वाला हार्मोन है जो कंटिन्यूसली ओवरी में जितने भी ओसाइट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ओवरी में जो भी एग सेल प्रेजेंट होते हैं इनके डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर कोई एक मेंस्ट्रुअल फेज में चला जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि बचे हुए एग वहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, नो, ये सभी अंदर कोई ना कोई काम या फिर कोई ना कोई प्रोसेस के अंडर जाते हैं बिकॉज ऑफ FSH दैट इज फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ओके, सो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी देखना है हमें नेक्स्ट वाला फेज जो कि है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वाला फेज जिसे कहा जाता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज फॉलिकुलर। आपको अपना टेक्स्ट बुक अपने साथ ही ओपन रखना है ताकि अगर यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है या फिर आपको कुछ विजिबल नहीं हो रहा है देन आप उसमें से देख सकते हो। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज इसका क्या मीनिंग होता है, इनिशियल के 5 days में ब्लीडिंग हो रही है वो था मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद वाला जो फेज है ये है फॉलिकुलर प्रोलिफ्रेटिव या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। सो क्या हो रहा है इसके अंदर देखो, सो ड्यूरेशन ये होता है एक ड्यूरेशन बिटवीन कहाँ से, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज से एंड हो रहा है और उसके बाद में जब तक दूसरे ओवम का रिलीज नहीं होता या फिर सेकेंड वाला ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक का जो फेज है इसे कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है बट आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला बिकॉज आप लोग सभी अच्छे बच्चे हो। सो कैसे होने वाला है, फर्स्ट फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में निकल गया है सारा ब्लड, अभी बारी आती है भाई सब कुछ रिपेयर करने की। सो रिपेयर करने के टाइम पे हम सेकेंड वाला प्रोसेस नहीं करने वाले, पहले कम्प्लीटली रिपेयर कर लेंगे पूरे यूटेरस को। सो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि प्रोलिफ्रेटिव फेज का क्या मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन फिनिश हो गया है और सेकेंड वाला ओव्यूलेशन होने वाला है, इन दोनों के बीच का जो एक टाइम होता है इसी को प्रोलिफ्रेटिव फेज कहा जाता है। ओके, नाउ ड्यूरेशन अभी जो होता है इस वाले फेज का ये हर किसी का अलग अलग होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नहीं बता सकते कि कितना टाइम होने वाला है, ये डिपेंड करता है कि मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिन चल रहा है। हो सकता है किसी में सिर्फ 3 days चल रहा हो, किसी में 5 days या फिर किसी किसी में 7 days भी पूरा चलता है। सो इतना ब्लीडिंग फिनिश होने के बाद से लेके नेक्स्ट ओव्यूलेशन होने तक का जो टाइम है ये सभी का वेरिएबल होता है, दैट्स वाई ये फेज वेरिएबल होती है। फिर भी ऑन एन एवरेज इसे कहा जा सकता है कि 6 से 12 दिन लगते हैं इस फेज को होने में आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, सो ड्यूरेशन है इसका
फिफ्थ से लेके 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अभी यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से याद रखनी कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या फिर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रहा है, इसे फर्स्ट डे कहा जाता है। सो फ्रॉम दैट फर्स्ट डे फिफ्थ डे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 5 दिन तक ब्लीडिंग वाला फेज या फिर मेंस्ट्रुअल वाला फेज चलता ही रहता है। उसके बाद वाला जो फेज होता है यानी 5वें दिन से जो 13th डे तक, इतने दिन जो होते हैं 5 से लेकर 13 दिन, इतना पीरियड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये हो सकता है प्रोलिफरेटिव फेज। हाउएवर ये वाला जो फेज है ये सभी का कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड करता है हर किसी के मेंस्ट्रुअल फेज पर। सो ऑन एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5th से 13th वाला डे, इतना जो रिपेयरिंग चलता है, इसी को प्रोलिफरेटिव फेज कहना है हम लोगों को। फिर अभी क्या होता है, कुछ 6 से 12 कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे जो कि अभी डेवलप हो गए हैं। यूजुअली उनमें से कुछ जो डेवलप हो गए हैं इन इन मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी फेज जब चल रहा है तो उसके बैकग्राउंड में दूसरे वाले ओसाइट आराम नहीं कर रहे होते, उनके ऊपर भी कोई ना कोई फेज या फिर कोई ना कोई प्रोसेस चलता ही रहता है। सो प्रोलिफरेटिव फेज के टाइम पे क्या होता है, जब तक प्रोलिफरेटिव फेज चल रही है सो उस टाइम तक नियर अबाउट 6 से 12 जो ओसाइट्स प्रेजेंट है या फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थे, अभी सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योर हो गए, ठीक है। ये मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर फॉलिकल को ही ग्रेफाइन फॉलिकल कहा जाता है। सो 6 से 12 नियर अबाउट मैच्योर फॉलिकल अभी हमारे पास प्रेजेंट है। देन कुछ और क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर अभी क्या होता है यहाँ पे, कुछ ग्रेफाइन फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं और कुछ ग्रेफाइन फॉलिकल डिग्रेड हो जाते हैं, यानी इन्हें मार दिया जाता है। इस वाले प्रोसेस को, जब कोई सेकेंडरी फॉलिकल को डिग्रेड किया जा रहा है, इसे कहा जाता है एट्रेसिया। इस वर्ड को अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है एट्रेसिया। सो एट्रेसिया का क्या मीनिंग होता है, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स जो रेडी है बट स्टिल उनका डीजेनरेशन हो रहा है या फिर डिग्रेड हो जा रहे हैं, सो इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है एट्रेसिया। देन डेवलपिंग ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल सिक्रीट्स द हार्मोन एस्ट्रोजन। जब भी सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा होता है या फिर इनका डेवलपमेंट चल रहा होता है, उसी टाइम से सेकेंडरी फॉलिकल खुद से एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला हार्मोन होता है। देन स्टिम्युलेशन फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ अ न्यू फॉलिकल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय GnRH विच स्टिम्युलेट द रिलीज ऑफ FSH। अभी वापस से यहाँ पे आपको एक शॉर्ट फॉर्म आता है जो कि है GnRH। सो GnRH का क्या मीनिंग है, GN का मीनिंग होता है गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। RH का मीनिंग होता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अभी कोई भी हार्मोन का जो मेंटेनेंस होता है इसके लिए और हार्मोन लगते हैं, एक होता है स्टिम्युलेटिंग और एक होता है रिलीजिंग। स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का काम होता है कि उसका जो रिस्पेक्टिव हार्मोन है उसको स्टिम्युलेट या फिर उसका बनना, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो सिंथेसिस है, इसको स्टिम्युलेट करे, ठीक है। और जो रिलीजिंग वाला हार्मोन होता है, इस रिलीजिंग वाले हार्मोन का काम होता है कि जो हार्मोन बन के रखा हुआ है सिस्टम में, इसको अभी रिलीज करो, छोड़ो, निकालो। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो गोनाडोट्रोपिन्स के यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनके रिलीज में हेल्प करता है। अब इसके बारे में हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल में स्टडी करना है सभी हार्मोन्स की। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये FSH के रिलीज को स्टिम्युलेट करता है। FSH रिलीज हो जाता है और FSH यानी क्या है, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और फिर FSH क्या करने वाला है, स्टिम्युलेट करता है जो भी प्रोलिफरेशन या फिर जो फॉलिकल्स है इनको, फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करने का काम कौन कर रहा है, FSH। FSH कहाँ से आता है, GnRH, ठीक है। अभी ये सब एक
फीडबैक मैकेनिज्म से होता है, यानी बॉडी को पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। सो इस बारे में कंफ्यूज मत हो, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते क्विक वाला। सो क्या हो रहा है प्रोलीफरेटिव फेज में? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोलीफरेटिव फेज यानी क्या होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बाद से लेके ओव्यूलेशन होने तक का जो ड्यूरेशन होता है इसे प्रोलीफरेटिव फेज कहा जाता है। और जनरली इस वाले फेज में जो यूटेरस डिग्रेड हुआ था इसके ऊपर थोड़ा सा काम होना स्टार्ट हो जाता है इन द प्रोलीफरेटिव फेज। और इन केस ऑफ हार्मोन्स प्रोलीफरेटिव फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं फर्स्ट फेज में, फिर अब इसके आगे वाला स्टेज यहाँ पे होने वाला है, यानी जो सेकेंडरी फॉलिकल्स ये पूरी तरह से डेवलप और मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर फॉलिकल या फिर इसी को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद कुछ वाले जो सेल्स होते हैं, कुछ वाले जो ओसाइट्स या फिर कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं जिनका हो जाता है डीजेनरेशन यानी मर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को एटरेशिया कहा जाता है। अभी जो सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं सो ये डेवलप होते होते एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। फिर उसके बाद में आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH। GnRH स्टिमुलेट करता है FSH हार्मोन को दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, ठीक है। सो ये थे हार्मोन्स इन द प्रोलीफरेटिव फेज। और क्या होता है भाई, यस अभी बात करते हैं प्रोलीफरेटिव फेज में होने वाला इंपॉर्टेंट चेंज दैट इज एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या मीनिंग है, अभी हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल फेज, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें क्या हुआ था एंडोमेट्रियम सिर्फ 1 mm इतनी ही ठीक बची थी, इतना उसका डीजेनरेशन हुआ था। और अगर हमें ये वाली साइकिल कंटिन्यू करनी है आगे सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूटेरस की इंटरनल लाइनिंग है या फिर एंडोमेट्रियम है ये अच्छे से हेल्दी स्टेट में काम करे और अच्छे से वर्क करे, दैट्स वाई इसका रिपेयर होना ज़रूरी होता है। एंड अभी देखो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और ये 1 mm से वापस से इसका जो ओरिजिनल थिकनेस है दैट इज 3 to 5 mm, ठीक है 3 to 5 mm इसका नॉर्मल थिकनेस होता है, यानी नॉर्मली एंडोमेट्रियम इतनी थिक होती है 3 to 5 mm की। सो इस वाले प्रोलीफरेटिव फेज में वापस से क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम है इसका रीजनरेशन होता है और इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। देन रीजनरेशन में और क्या क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स भी बन जाते हैं, देन एंडोमेट्रियल या फिर यूटेराइन के जो ग्लैंड से ये भी वापस से बन जाते हैं, और जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल था ये भी काफ़ी ये भी वापस से बनने लग जाता है, और जो थिकनेस थी ये वापस से 3 to 5 mm जो कि नॉर्मल थिकनेस होती है यहाँ पे रीच हो जाती है, ठीक है। सो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल फेज में जितना भी ब्लड के साथ और जो भी फ्लो था, फिर उसमें चाहे म्यूकस हो या फिर एंडोमेट्रियल के सेल्स हो या फिर ब्लड वेसल्स हो, इन सभी का वापस से रीजनरेशन होता है या फिर ये वापस से बनने लग जाते हैं और यूटेरस के इंटरनल लाइन को मेंटेन करते हैं इसके ओरिजिनल थिकनेस पे। ओके देन नेक्स्ट वाला फेज आता है दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। अभी ओव्यूलेटरी फेज क्या है, सो सबसे पहले ओव्यूलेटरी यानी ये रिलेटेड है विद द एग सेल या फिर ओसाइट के साथ ये रिलेटेड होता है। ये सबसे शॉर्ट वाला फेज होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये सबसे शॉर्ट वाला फेज होता है इन कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, जो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल फीमेल के वूम्ब में या फिर फीमेल के यूटेरस में आके रुका था, मैं सुंदर डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, ओके सो मान लीजिए कि ये है एक फीमेल का यूटेरस, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल आके रुक गया था। ये ग्राफियन फॉलिकल कैसा है बच्चों, ये ग्राफियन फॉलिकल है कम्प्लीटली मैच्योर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आ गया है। बट अगर यहाँ पे कोई भी ओसाइट कोई भी स्पर्म नहीं आता, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला, और ये जो आके रुका है ग्राफियन फॉलिकल ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। अभी चलो सेंटेंस वाइज जाते हैं, लाइन टू लाइन जाने वाले कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो सबसे पहले तो ये जो फेज़ है ये सबसे शॉर्ट वाली यानी छोटी सी फेज होती है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें होता है रप्चरिंग ऑफ मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल, जो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल था, ओके इसका हो रहा है यहाँ पे रप्चर, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल, ठीक है। इस वाले फेज में क्या होता है, जो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल है
इसका रप्चर हो जाता है या फिर वो टूट फूट जाता है। देन उसके बाद में होता है रिलीज ऑफ ओवम एंड रिलीज ऑफ ओवम। जब भी ग्राफियन फॉलिकल, ये अगर ग्राफियन फॉलिकल है देन इसके इनसाइड में होता है एग सेल। सो जब ये येलो वाला लेयर ग्राफियन फॉलिकल का टूट जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, देन इसके अंदर ये जो ओसाइट था या फिर जो ओवम था, ओके ये है ओवम, सो ये हो जाता है रिलीज। देन रिलीज ऑफ ओवम, इसी को कहा जाता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट अभी ये कहाँ पे चला गया है, ये चला गया है इस पेल्विक कैविटी में, और ये यूजुअली होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे या फिर 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट कहाँ से करना है, फर्स्ट डे कौन सा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिस दिन से मेंस्ट्रुअल फेस हो रही है या फिर जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, ब्लीडिंग का फर्स्ट डे, ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फेस का जो फर्स्ट डे होता है वही मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी फर्स्ट डे होता है। सो ओविलेटरी फेस जनरली 14th डे से स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल में। एंड अभी यहाँ पे क्या होता है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, LH का मीनिंग है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का मीनिंग होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, सो यहाँ पे सिक्रीशन होता है LH का बाय द पॉजिटिव मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके कारण क्या होता है, जो मैच्योर यहाँ पे एग या फिर मैच्योर फॉलिकल आया था ये रप्चर हो जाता है या फिर टूट जाता है। ओव्यूलेशन फिर यहाँ पे हो रहा है बाय माइल्ड और सीवियर पेन इन द लोअर एब्डोमेन। जब भी ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है इसका मतलब क्या है कि मैच्योर फॉलिकल से या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का ब्रेकडाउन हो के उसमें जो एग सेल था वो रिलीज हो रहा है, एंड दैट्स वाई इसे ओव्यूलेशन कहा जाता है, बिकॉज ओवम का रिलीज हो रहा है। ये एक पेनफुल कंडीशन होती है, इस टाइम पे जो फीमेल होती है इसके एब्डोमेन में या फिर इसके पेल्विक वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और इसका रिस्पॉन्सिबल होता है जो हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके इन्फ्लुएंस में ये सब ओव्यूलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके कारण यहाँ पे पेन भी इंड्यूस होता है। देन इसके बाद वाला फेज आता है ल्यूशियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। अभी इस वाले फेज में क्या होता है, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज इज बिटवीन ओव्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल। ये काफ़ी लंबा चलने वाला प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, ओव्यूलेशन होने हो गया है, अभी ओव्यूलेशन से लेकर के नेक्स्ट बिगिनिंग नेक्स्ट मेंसेस तक, नेक्स्ट मेंसेस ओव्यूलेशन अभी हमने देखा लास्ट वाले फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यूटेरस में आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, उसमें से ओवम रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। अभी उस ओव्यूलेशन पीरियड के बाद में नेक्स्ट वाले मेंसेस आने तक, यानी नेक्स्ट वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने तक का जो टाइम होता है इसे सिक्रेटरी फेज कहा जाता है, और ये लॉन्गेस्ट फेज है। शॉर्टेस्ट फेज हमारा लास्ट वाला था जो कि था ओव्यूलेटरी, ये वाला है लॉन्गेस्ट फेज। कितने दिन होता है भाई ये होता है तकरीबन 14 दिनों तक। कब से कब तक होने वाला है, 15 से 28वें दिन तक, ठीक है, यानी किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15th से लेके 28th डे तक क्या हो रहा है, ये वाला फेज चल रहा है 28 डे तक। क्यों, क्योंकि 28 डे का या फिर हर 28 डे के बाद में न्यू वाला मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है या फिर अगेन मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है, बिकॉज दो मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में 28 दिन का गैप होता है, दैट्स वाई ये वाला फेज 15 से 28 दिन तक चलता है, सबसे लंबा वाला फेज जिसे सिक्रेटरी या फिर ल्यूशियल फेज कहा जाता है। अभी इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो अभी सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, फिर कुछ टिश्यू बच जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल के जो कि ट्रांसफर होते हैं इन द कॉर्पस ल्यूशियम। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है। अभी हमने लास्ट में या फिर लास्ट वाले फेज में क्या देखा था कि यूटेरस में
यहाँ पे आया था मैच्योर ग्राफाइन फोलिकल, मैच्योर ग्राफाइन फोलिकल में से एक एग सेल निकला था और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, ये हो गया ओविलेटरी फेस। अभी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखो ये रेड वाला जो इनसाइड का पोर्शन था वो तो चला गया, बट इसके ग्राफाइन फोलिकल के ऊपर का जो छिलका, मान लो कि हम अभी अंडे की बात कर रहे हैं, सो अगर आपने कोई अंडा फोड़ा उसके अंदर का मटेरियल चलेगा, बट स्टिल अभी अंडे का छिलका तो बचा हुआ है, बस उसी तरह से ग्राफाइन फोलिकल का जो बचा हुआ टिश्यू या फिर जो बचा हुआ छिलका होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूशियम। ये जो बचा हुआ इसका डेब्रीज है या फिर जो बचा हुआ मटेरियल होता है किसी मैच्योर ग्राफाइन फोलिकल का आफ्टर ओविलेशन, इट इज नोन एज, यस, इसी को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूशियम। और ये सब हो रहा है अंडर एलएच, जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी यहाँ पे कॉर्पस ल्यूशियम जो है ये स्टार्ट कर देता है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अभी देखो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो मेंस्ट्रुअल वाले फेज में कम हो गए थे, अभी इसका सिक्रीशन बढ़ता है। सिक्रीशन कौन करने वाला है यहाँ पे इसका? कॉर्पस ल्यूशियम। कॉर्पस ल्यूशियम क्या है? मैच्योर ग्राफाइन फोलिकल का बचा हुआ छिलका है, और ये स्टार्ट कर देता है फिर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अभी जो ओव्यूलेटेड एग है अगर वो फर्टिलाइज हो गया, ओके, इफ द एग गेट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स, ये कब होने वाला है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कब होने वाला है अगर ओविलेटेड एग ने, यानी ये इधर देखो एग यहाँ पे आ गया है, एग सेल यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अभी जो कॉर्पस ल्यूशियम था ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके, बट अगर कंडीशन रिवर्स हो गई, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, फिर अभी कॉर्पस ल्यूशियम यहाँ पे सिर्फ 2 वीक के लिए रुकता है या फिर सिर्फ 2 वीक सर्वाइव करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी जो कॉर्पस ल्यूशियम बना था, कॉर्पस ल्यूशियम कितने दिन जिंदा रहेगा? सिर्फ 2 वीक्स, ये रहता है सिर्फ 2 वीक तक जिंदा, और उसके बाद में इसका भी डिजेनरेशन हो जाता है और ये बेचारा मरने लगता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एक व्हाइट स्कार में जिसे कहा जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट है इस पूरे वाले फेज में, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। सो क्या हो रहा है सिक्रीटरी फेज में? सबसे पहले तो सिक्रीटरी फेज सबसे लंबा चलने वाला फेज होता है, 14वें दिन से 28वें दिन तक ये फेज चलता है, 28 दिन तक ही क्यों? बिकॉज 28 दिन का ही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके बाद तो नेक्स्ट वाला साइकिल शुरू होने वाला है, ओके। अब क्या हो रहा है भाई इस साइकिल में? सो मैच्योर ग्राफाइन फोलिकल आ गया था जहाँ से एक ऊसाइट या फिर एक ओवम रिलीज हो गया, अभी बचा था उस मैच्योर वाले ग्राफाइन फोलिकल का छिलका। सो अगर प्रेगनेंसी होती है, यानी अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, रिलीज जो ओवम हो गया था उसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देन ये कन्वर्ट हो जाता है इन कॉर्पस ल्यूशियम। कॉर्पस ल्यूशियम बाद में दो इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर मान लो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस एग को ब्रेक ही होना है, देन ये जो बचा हुआ अभी छिलका था जिसे कॉर्पस ल्यूशियम कहा जाता है, सो कॉर्पस ल्यूशियम अब कन्वर्ट हो जाता है या फिर डिजेनरेट हो जाता है इन कॉर्पस अल्बिकन्स, जो कि एक व्हाइट स्कार के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इसे कॉर्पस अल्बिकन्स कहा जाता है। काफ़ी इजी वाला पॉइंट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, लाइन टू लाइन अच्छे से याद रखो। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले फेज की तरफ, या फिर उसी फेज में और थोड़ा डिटेल में देखना है। अभी देखो कॉर्पस ल्यूशियम क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा था, एंड थोड़ी सी अमाउंट उसमें थी ईस्ट्रोजन एंड इनिबिन की भी, ठीक है। अभी प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनिबिन ये सब हमने देखा था फर्स्ट, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट की थी उसी टाइम पे, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि कोई एक ओवरी के थ्रू सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अभी इन सब हार्मोन्स के अंडर ही क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स थे जो डीजेनरेट हो गए थे या फिर जो बॉडी के ब्लड फ्लो के साथ बाहर चले गए थे, इन सभी का रिपेयर इन्हीं हार्मोन्स के साथ होता है, एंड इट बिकम्स कॉइल एंड स्टार्ट यूटेराइन सिक्रीशन, और फिर यहाँ पे ही यूटेराइन सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाता है। अभी एंडोमेट्रियम वैस्कुलराइज होती है और वापस से थिक हो जाती है, 8 से लेकर 10 mm तक चली गई, ठीक है। अभी ये जो
सिक्रेटरी वाला फेज है, इस वाले फेज में एंडोमेट्रियल का थिकनेस और भी बढ़ गया और वो 8 से लेकर 10 mm तक ज़्यादा थिक हो गई। लास्ट वाले फेज में वो 3 से 4 mm तक ही हो रही थी, ठीक है। नाउ अभी इसका थिकनेस बढ़ गया है, अभी इनहिबिन क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है FSH का सिक्रीशन। एंड इसी के कारण क्या होता है, अभी देखो FSH का इम्पोर्टेंस क्या था, सिंपल FSH इम्पॉर्टेंट था इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर होता है देन अभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्स्ट वाला स्टेप रहता है जायगोट का फॉर्मेशन या फिर एक जायगोट बन जाता है दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। इस जायगोट के बनने के बाद ये इंपॉर्टेंट है कि उस जायगोट या फिर हम उसको स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि एक मास का बॉल होता है, इस बॉल को इधर उधर लुढ़कने ना दे, इसे कहीं ना कहीं इम्प्लांट करके रखना होता है। उस इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये FSH हार्मोन। अभी भाई नेचर काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट होता है, ये फालतू में कहीं पर भी टाइम वाइम वेस्ट नहीं करता, ना ही एनर्जी वेस्ट करता है। अगर नीड है तभी वहीं पर ये वाला जो सिस्टम है ये काम करता है। इसी को कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। सो इनहिबिन क्या कर रहा है, अगर वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसको पता चल जाता है, अरे भाई यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्यों एक्सेस वाला काम करना। सो सिंपली इनहिबिन कर देता है FSH को ब्लॉक, यानी FSH का सिक्रेशन नहीं होने देता। FSH की नीड क्यों थी, अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है देन उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस करना है। इम्प्लांटेशन यानी जो बना हुआ जायगोट है, इस जायगोट को फीमेल के फंडस वाले पार्ट से जोड़ना होता है यूटेरस में, और इसी वाले प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और इम्प्लांटेशन के लिए FSH ज़रूरी है, बट अभी यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ना ही जायगोट फॉर्म हुआ है, फिर इम्प्लांटेशन किसका करेंगे, इम्प्लांटेशन के लिए कुछ भी नहीं। फिर दैट्स वाई यहाँ पे इनहिबिन आ जाता है, ये ब्लॉक कर देता है FSH को। FSH नहीं आता बिकॉज FSH की कोई नीड ही नहीं होती इस वाले फेज में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। ओके, देन अगर यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग गेट फर्टिलाइज्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। सो अभी यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, अभी चाहिए एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होना यहाँ पे ज़रूरी होता है, और एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए एक और हार्मोन चाहिए होता है जिसे कहा जाता है HCG, जिसका मीनिंग होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन, ये वाला हार्मोन क्या करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। इम्प्लांटेशन का क्या मीनिंग होता है, अभी मान लो कि ये है यूटेरस, यहां पे ये ऊपर का पोर्शन है फंडस, और ये है यूटेरस का जो बीच वाला पोर्शन होता है, यहां पे है एक जायगोट बना हुआ, इसको ऊपर वाले फंडस से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक कॉर्ड लगता है, एक वायर लगता है जिसे कहा जाता है अम्बेलिकल कॉर्ड, जो बाद में डेवलप होता है, बट इनिशियली अभी हम इसको बोलने वाले इम्प्लांटेशन, यानी कि जो भी जायगोट बना था ये जायगोट का फंडस से या फिर मदर के जो उसकी वॉम है मदर की, उसमें उसको एक प्रॉपर अटैचमेंट चाहिए। सो उस प्रॉपर अटैचमेंट के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है HCG, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन कहा जाता है। ये क्या करता है, ये एक्सटेंड कर देता है कॉर्पस ल्यूटम की लाइफ, एंड दैट्स वाई इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी, यानी ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटम ह्यूमन के फीमेल के जो मेन हार्मोन्स होते हैं दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके सिक्रेशन में हेल्प करता है। सो अगर कॉर्पस ल्यूटम है तो थोड़े दिन के बाद डिजेनरेट होकर कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाता है, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटम की लाइफ बढ़ जाती है, वो थोड़े दिन और सर्वाइव करता है और इसका जो सिक्रेटरी फंक्शन है इसे कंटिन्यू करता है। इसकी लाइफ बढ़ने के पीछे किसका हाथ होता है, HCG का, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन का इसमें हाथ होता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रेटरी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है, फिर ये जो HCG होता है ये मैटरनल का मतलब होता है मम्मी, मदर, माता। सो इसके ब्लड में भी आ जाता है एज वेल एज उसके यूरिन में भी आ जाता है, ठीक है। HCG कहाँ पे आता है, ये ह्यूमन के यूटेराइन सिस्टम में ही प्रेजेंट है, यानी कि ये फीमेल के यूरिन के सिस्टम में भी आ जाता है, दैट्स वाई फीमेल की यूरिन में भी आ जाता है। एंड यही एक इंडिकेटर है जो प्रेगनेंसी को डिनोट करता है इनकेस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे से फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज वापस से स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों ये वाला, ठीक है।
HCG कहाँ पे आ रहा है? अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी एग सेल और स्पर्म का फ्यूजन हो गया है और वहाँ पे एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है, बच्चा होने वाला है, या फिर वहाँ पे प्रेगनेंसी ऑकर होती है, सो इस टाइम पे क्या हो रहा है? सबसे पहले वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि है HCG। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रेगा न्यूज़ या फिर प्रेगा किट, जिसके ऊपर बस यूरिन के कुछ ड्रॉप डालने के बाद ही पता चल जाता है कि जो रिस्पेक्टिव फीमेल है या फिर जिस फीमेल का यूरिन उस वाले किट पे रखा है वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। सो अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट है सो वहाँ पे किट शो करता है बाय द टू लाइंस। ओके, सो उस किट को यूरिन में से क्या पता चलता है या फिर यूरिन में से कौन सा वाला पॉइंट, कौन सा वाला कंटेंट डिटेक्ट करती है? सो किट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिजल्ट शो करता है ये होता है HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहाँ से आता है? एम्ब्रियो का इम्प्लांट हो जाए या फिर वो किसी एक जगह पे स्टेबल हो जाए, दैट्स वाई ये हार्मोन सिक्रीट होता है और इसी हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है फ्रॉम मदर का ब्लड एज वेल एज मदर का यूरिन। इन दोनों भी सैंपल में ये हार्मोन मिलता है और ये सिर्फ प्रेग्नेंट वाली फीमेल में होता है। यहाँ पे कोई भी नीड नहीं कि प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा या फिर कितनी दिनों की है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी 2 या 3 दिन की भी है देन वहाँ पे HCG रिलीज हो जाता है और जो किट्स होती है जो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में यूज़ होती है ये वाली किट रिजल्ट शो करती है। ओके, सो ये सब हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फिर ये सब होने वाला है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वहाँ पे एग वैसे ही बैठा था, स्पर्म ही नहीं आया, देन यहाँ पे इस फेज के एंड तक यानी 28 दिन कंप्लीट हो गए और अभी वापस से नेक्स्ट वाला मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। सो ये सब था अबाउट द फेजेस ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ये हमें देखना है अबाउट गैमेटोजेनेसिस। सो हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअसली देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर्स को, एंड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।